हेलो बच्चों, हम रेंज निकालने के मेथड्स डिस्कस कर रहे थे। तीन मेथड हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं, एक बाय प्रॉपर्टीज, बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, एक बाय एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन कंसेप्ट, और एक बाय एप्लीकेशन ऑफ एम जे एम इनइक्वलिटी। लास्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आप डेरिवेटिव के थ्रू भी मिन मैक्स पे कमेंट कर सकते हो, मिन मैक्स रेंज के ऊपर। अच्छा, कई बच्चों का फेवरेट रहता है डेरिवेटिव, थोड़ा दिमाग लगाना आसान रहता है, तो वो कई बार गलती ये करते हैं ना, इजी क्वेश्चन में यही लगाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा हम तो इससे कर लेंगे। हर क्वेश्चन ध्यान रखना, इससे नहीं होगा। हम चार मेथड डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, हर क्वेश्चन चारों मेथड से नहीं होने वाले। किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज ही लगेंगे, किसी क्वेश्चन में एम जे एम इनइक्वालिटी ही लगेगा, किसी क्वेश्चन में आपका वो इक्वेशन वाला फंडा लगेगा, और किसी केस में डेरिवेटिव ही लगेगा, मतलब बाकी की चीजें वर्क नहीं करेंगी। स्पेशली एडवांस लेवल क्वेश्चंस में कोई एक चीज ही लगनी है। आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी चारों चीजों की, तो आप सीधा काम की चीज आपके दिमाग में आएगी कि अच्छा ये तो डेरिवेटिव से ही करना है, या अच्छा ये तो ए एम जी एम इनइक्वालिटी से करना है। आप अगर इजी इजी क्वेश्चंस को एक दूसरे मेथड से करके उन क्वेश्चंस का कचरा करोगे तो प्रॉब्लम अनडाउटेडली होने वाली है। लाइक जैसे मैंने देखा है, कई बच्चे क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिनिमम भी ऐसे ही दिखाने के लिए डेरिवेटिव से निकालते हैं। कुछ एक्स प्लस वन वाई एक्स ये फंक्शन दे दिया, एम जी एम से निकालना है आपको, उसका भी वो मिन मैक्स कई बार डेरिवेटिव के थ्रू बताते हैं। क्योंकि डेरिवेटिव क्या है ना, थोड़ा सुनने में कैची कंसेप्ट लगता है, नई नई चीज रहती है, कुछ अलग ही टाइप का फंडा लग रहा होता है, तो कई लोग ना ऐसे दिखाने के चक्कर में बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें, जो नहीं करना है आपको। सो लेट्स सी, क्या कंसेप्ट बहुत ही आसान है डेरिवेटिव। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा तो डिक्रीजिंग होगा, इक्वल टू जीरो होगा तो कॉन्स्टेंट होगा। तो आपको बस इतनी सी इंफॉर्मेशन क्लियर रहनी चाहिए। जो डेरिवेटिव आप जानते हो तो बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, और इसमें इक्वलिटी पॉइंट पे होल्ड कर सकती है इन दोनों के केस में। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो तो हम फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे, लेस देन और इक्वल टू जीरो हुआ तो डिक्रीजिंग बोलेंगे, और जीरो ही हो गया किसी इंटरवल में, जो कि बहुत रेयर ही होगा, शायद ना ही हो वैसे, तो हम कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट क्या क्या है, इजी फंक्शन है, जनरली लोग जेई में आपको नहीं देंगे, तो मेजर केस में तो पहले दो के बातें ही होने वाली है। तो इनसे ये होगा कि आपको ग्राफ का आइडिया हो जाएगा, ग्राफ का आइडिया हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, फिर इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको मिन मैक्स फिर दिखने लगते हैं, मतलब कि अच्छा इस पॉइंट का आउटपुट इसका मैक्स है, इस पॉइंट का आउटपुट मिन है। तो ऐसे करके आप फंक्शन के मिन और मैक्स निकाल सकते हो। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल। आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इसमें वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता मैं। सो एक एग्जांपल आपको करा रहा fx x रेज टू 1 बाई एक्स है, तो इस फंक्शन का रेंज आपको बताना है। काफी अच्छा और ट्रेंड वाला क्वेश्चन है, आपने देखा भी हो अदरवाइज, तो इसे थोड़ा अच्छे से समझ लो क्या चल रहा है इसके अंदर। आपको ग्राफ बनाना है, तो x लेस देन 0 के केस में तो ये चीज डिफाइन नहीं होगी, रेयर जगह पे डिफाइन होगी, जो आपको एक्चुअली कंसिडर ही नहीं करनी है, लाइक -1 वगैरह, पॉजिटिव केस में ही कंसिडर करना है। इनफैक्ट यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इस फंक्शन की कोई आपसे बात कर रहा है तो पॉजिटिव के लिए ही करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, तो वो मैं अभी चलो अपनी साइड से ही लिख रहा हूँ। सो लेट्स सी क्या करेंगे अब। तो ये ग्राफ 0 के जस्ट आगे से स्टार्ट होगा, तो जस्ट आगे से स्टार्ट कहाँ से करना है, ये भी एक अपने में प्रॉब्लम वाली चीज है। तो उसके लिए यहाँ पर ना लिमिट का फंडा लग जाएगा, तो आपको लिमिट का आइडिया रहना चाहिए। तो इसमें एक छोटी सी बात लिमिट की भी आ चुकी है, यू शुड नो व्हाट इज दिस लिमिट। सो ये मैं ये आराम से निकाल सकते, ये अपने आप में वैसे अच्छा जेई लेवल क्वेश्चन है, आपको इन चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला लगाना है। जैसे आप फाइनली लिख सकते हो, ये एक्स जब आपका 0 की तरफ जा रहा है तो ये -∞ की तरफ जा रहा है, और 1/x ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये पूरा -∞ की तरफ जा रहा है। तो ई रेस टू -∞ की क्लोज हुई चीज जो है वो एक्चुअली 0 के क्लोज होगी, मीन्स ये फंक्शन 0 के जस्ट आगे से स्टार्ट होगा।
तो हम डेरिवेटिव के थ्रू एक्चुअली ग्राफ निकालना चाहेंगे, तो इसमें जीरो के जस्ट आगे कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो लिमिट के थ्रू हमने जजमेंट ले लिया। तो यहाँ से स्टार्ट करना है हमको ग्राफ, ओपन सर्किल बना दिया। अब इसे इंक्रीज कराना है डिक्रीज कराना है उसके लिए आपको डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, इसलिए हम उसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू बोल रहे हैं कि अच्छा इसके थ्रू हम इसको जजमेंट जजमेंट ले सकते हैं कि ये फंक्शन का मिन मैक्स क्या होगा। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लू, डेरिवेटिव इस टाइप के फंक्शन का कैसे निकालना है आपको बताया हुआ, तो ये होगा जो कि आ गया एक्स रेस टू 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस ln x। तो यू कैन सी एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये चीज तो पॉजिटिव है, और वो हम जानते हैं कि एक्स अगर 1 से छोटा है तो जैसे एक्स 1 है तो ये चीज 0 होगी, और एक्स अगर 1 से बड़ा है तो ये चीज 0 से बड़ी होगी। तो सॉरी थोड़ा मिस्टेक कर दिया, एक्स अगर ई e है तो ln x जो है वो 1 होगा, तो 1 माइनस ln e आपका 0 हो रहा है। ई e से बड़ा होने पर ln x 1 से बड़ा होगा तो ये चीज नेगेटिव होगी। तो कैन सी एक्स अगर ई e से छोटा है तो ये चीज पॉजिटिव, और एक्स अगर ई e से बड़ा है तो एफ एस एक्स नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें पता चल गया ई से छोटा होगा अगर एक्स तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो हमें ये बात पता चल गई अभी कि 0 से e तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो यहां से लेके बात है कि इंक्रीज करा रहा, कैसे करा रहा दैट डज नॉट मैटर, कैसे भी करा। तो इतना तो पक्का है कि अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो सबसे बड़ा आउटपुट ई पर ही आएगा यहाँ पर, और उसके बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये फंक्शन डिक्रीज ही करेगा इसके आगे। तो नीचे जाना है, सो ई का जो आउटपुट है वो सबसे बड़ा आउटपुट होगा, और वो क्या होगा वो था इस फंक्शन में एक्स को ई रख के निकाल दो, तो वो रखोगे तो यू विल गेट दिस वन। अब उसके बाद नीचे जा रहा है, नीचे भी कहां तक जाएगा वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, अगेन लिमिट से निकलेगा वो। तो लिमिट अब इसकी आएगी अंडर एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी में ln x अपॉन x, काफी अच्छा क्वेश्चन है ऑलरेडी वैसे अदरवाइज डिस्कस किया हुआ है, तो वो 0 की तरफ टेंड करेगा क्योंकि ln x x के सामने तो छोटा ही है, वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो e रेज़ टू दिस ऑब्वियसली 1 की तरफ टेंड करेगा। तो अंदर x टेंडिंग टू इंफिनिटी ये चीज 1 के क्लोज आते रहेगी, मींस ये फंक्शन 1 के क्लोज जाएगा, तो 1 पे एसिम्प्टोट आ जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एक्चुअली सही ग्राफ ड्रॉ करूं तो ऐसा होगा। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, आप इसका मिन मैक्स सब बता सकते हो। मिनिमम जैसे इसका क्या होगा, ये 0 के जस्ट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो मिन तो बोल नहीं सकते, और मैक्स इसका e रेज़ टू 1/e होगा। रेंज आप बोल सकते हो इसका ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल e रेज़ टू 1/e। सो दैट्स इट, ये आपका डेरिवेटिव का चौथा मेथड था। सो रेंज निकालने के ध्यान रखो, इन चार के अलावा और मेथड नहीं लगेंगे। पहला मेथड फिर से एक बार रिवाइज करा दूं आपको, फर्स्ट मेथड आपको बताया था कि आप प्रॉपर्टीज के थ्रू निकाल सकते हो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज या एक्सपोनेंशियल, लॉग, इनवर्स, वो कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है, रैशनल, इरेशनल, कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है आपकी। दूसरे मेथड में आपको इक्वेशन का कंसेप्ट का एप्लीकेशन बताया, जिसमें मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रेंड वाली चीज है, बाकी कभी कभी कोई और इक्वेशन भी आए तो आपको इजिली हैंडल करना आना चाहिए। एंड तीसरा AMGM इनइक्वालिटी का बताया आपको कंसेप्ट, वो कम आता है लेकिन जब आता है तो अच्छा वाला आता है, तो वो भी ढंग से क्लियर रखो। मेंस लेवल तक आप जस्ट ट्रेंड वाले क्वेश्चन ही क्लियर कर लोगे तो भी काफी है, और डेरिवेटिव ये भी काफी अच्छा खासा आता है, तो इसको भी काफी अच्छे से क्लियर रखो। मेंस लेवल तक बहुत प्यार से लगा सकते हो इसे, एडवांस में थोड़ा आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों को अच्छे से ध्यान में रखोगे तो आराम से एडवांस के क्वेश्चन को भी कर पाओगे, जो भी इस मेथड पे डिपेंड करेगा। सो दैट्स इट, ये रेंज के चार मेथड्स थे आपके, इनके अलावा और कोई मेथड नहीं रहेगा, इनको सीख लो बस काफी। सो थैंक यू।